हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लोग गुमराह हो जाते हैं। जो इन्होंने अस्तित्व लिया है, इस सरकार को धूल मर जाना चाहिए। क्या लोकतंत्र कहीं बचा है? मैं अपने पिता सुधा के साथ सिंह को छा के लोकसभा और राज्यसभा में नए क्रिमिनल लॉ बिल पास करने के विरोध में आज पलवल के लघु सचिवालय पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबित कर जो तीन विधेयकों को पारित किए गए हैं, इन काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। ये कानून देश की जनता के खिलाफ हैं। पलवल के लघु सचिवालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए क्रिमिनल लॉ बिल का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार को जनविरोधी सरकार करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो नए काले कानून बनाए हैं, पूरा विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। संसद से विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर ये कानून पास किए गए हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब किसी भी अभियुक्त को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में जज के सामने पेश करने की भी अब जरूरत नहीं है। साथ ही बिना अनुमति के फोन टेपिंग की जाएगी, अब किसी की गोपनीयता नहीं रहेगी। बिना अनुमति के कोई भी जानकारी ले जा सकती है। बिजली के बिलों को लेकर भी नया कानून बनाया गया है जिसमें सिक्योरिटी भी देनी होगी। किसानों से ट्यूबवेल के नाम पर बार बार पैसे लिए जाते हैं लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलते। आम आदमी बिजली बिलों को भरे में सक्षम नहीं है। बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। अग्निवीर के नाम पर युवाओं के भविष्य का मखौल उड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। बीजेपी सरकार लोगों का शोषण करने में लगी है। इन बिलों का वापस लेने की जरूरत है, नहीं तो यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद इसराइल, देवेश चौधरी, कांग्रेस नेता एसके शर्मा, सविता चौधरी, सुखबीर फौजी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नौजवान उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संसद में उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। आज हम पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार से, किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर तीन दफा पैसे लिए जा चुके हैं। आज तक किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं लिए जा रहे। किसान दर दर भटक रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों में जू नहीं रह रही। इसी तरीके से पिछले दिनों बिजली के बिल, जो बिजली पहले ही इतना लोगों के घरों में कह ढा रही थी, गरीब लोगों को बिजली का बिल जब भरना होता है उनका बजट खराब हो जाता है। इस बेईमान बीजेपी की सरकार ने पिछले दिनों एक नया कानून बनाया कि बिजली के बिलों के जो जितने भी लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनसे 2 महीना एडवांस जो उनकी सिक्योरिटी है वो ली जाएगी। और आपने महसूस किया होगा कि आज हर घर में बिजली का बिल बढ़ करके आ रहा है। और जब भी कोई लोग आवाज उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की जय बोल करके, भारत माता की जय बोलते हैं। जबकि ये बीजेपी सरकार अगर गद्दार है भारत माता की, तो ये बीजेपी की सरकार और ये बीजेपी के कायर नेता है। जय बोलते हैं भारत माता की, जय बोलते हैं राम की। काम रामन जैसे कर रहे हैं। इन बेईमानों को उखाड़ना होगा। आज इन्होंने हमारे 2 अधिकार छीने हैं। अगर ये देश के लोग ऐसे ही आपस में बटे रहे, अगर इसी तरीके से सोए रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये देश हमसे हमेशा के लिए गुलामों की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ये काम केवल ये नौजवान बच्चे हमारे कर सकते हैं। ये काम हमारे इलाके का कमेरा वर्ग कर सकता है। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि जो ये
बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करना और बिना अदालत में भेजे का जो कानून बनाया है इस कानून को वापस लिया जाए। जो टेलीफोनों को सुनने का गैर कानूनी तरीके से भाजपा ने जो ये कानून पास किया है इसको वापस लिया जाए। जो बिजली के दर बढ़ाई गई है इनको वापस लिया जाए। जो अग्निवीर के नाम पर नौजवान बच्चों को भविष्य खराब करने का काम किया है अग्निवीर की स्कीम वापस लेकर के फिर से नौजवानों को फौज में भर्ती करने का काम किया जाए। और जो महंगाई आज सर चढ़ करके देश को बर्बाद कर रही है, जो धनाढ्य व्यक्ति धनाढ्य होता जा रहा है, दुकानदार बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग का शोषण हो रहा है और बीजेपी की सरकार लोगों को शोषण करने में लगी हुई है। देश के अंदर काले कानून पास करना पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही शर्म की बात है। आज देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी के नियमों को उनके प्रावधानों को जो बदलने का काम किया है वो शायद आम जनमानस तक उस सच्चाई का पता नहीं है। बहुत शर्म की बात है इस मोदी सरकार के लिए और भाजपा सरकार के लिए। आज देश की आजादी को खतरे में डालने के लिए जो कानून पास किए हैं आज की हमारी ये सभा मांग करती है कि उन कानूनों को वापस लिया जाए। पहला कानून जो कल परसों में पास हुआ है वो काला कानून है कि जो अब तक किसी भी अभियुक्त को किसी भी केस में गिरफ्तार किया जाता था तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस अभियुक्त को अदालतों में पेश करने का नियम हुआ करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि 147 ऑन रिकॉर्ड 147 सांसद जो बर्खास्त किए गए हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। हम इसका विरोध करते हैं कि 147 सांसदों का मतलब 30 करोड़ आबादी को लोकसभा से वंचित करना है। ये जो कार्रवाई जो बीजेपी सरकार मोदी सरकार जो कर रही है तानाशाही, इस तानाशाही के खिलाफ आज हमने विरोध किया है। बाकी हम मोदी सरकार को ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हम गोलियों से भी डरने वाले नहीं हैं लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। आगे या तो मोदी सरकार इन सारी जो जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है जिस प्रकार के इन 147 सांसदों के विरोध अनुपस्थिति में जो कानून पास किए गए हैं वो हमारे देश की जनता के लिए खतरनाक कानून है। किस तरह से खतरनाक है, क्या हो गया इससे? नहीं, जब हमारे मोबाइल सेफ नहीं है, जब हमारे जो भी कानून है कि यदि कोई अपराधी यदि कोई किसी प्रकार का आदमी कहीं ये बिना किसी सूचना के गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना होता है। इन्होंने ये कानून बदल दिया है कि 24 घंटे के अंदर ये जज के सामने पेश नहीं करेंगे जबकि पहले हमारे सीआरपीसी में ये कानून था। तो कई प्रकार से मोदी सरकार भारत की जनता के साथ बहुत ज़बरदस्त अन्याय कर रही है। हम ये कभी भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अभी हमारा ये पहला प्रदर्शन है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर इनकी लाठियां और गोलियों को देखेंगे कितनी चला सकते हैं। 2024 में ये इनके बाप की जागीर नहीं है संसद। इस संसद को हम कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, हम प्रहार को नहीं होने देंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।